नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम रागी दोसे बनाएंगे। रागी में कैल्शियम और आयरन बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही पौष्टिक दोसे बनेंगे। इन्हें आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक खाना है। तो आइए रागी दोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने रागी का आटा आधा कप ले लिया है। रागी का आटा आसानी से किराना स्टोर पर मिल जाता है, पैक तैयार मिलता है। एक चौथाई कप गेहूं का आटा है और एक चौथाई कप बेसन है। दो तीन टेबलस्पून तेल ले लिया है हमने, घी भी ले सकते हैं। आधा कप दही लिया है, दो तीन टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च हमने बारीक काट लिए है, बीज हटा दिए हैं ताकि तीखा कम रहे, एक इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ले लिया है या आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले लें, नमक आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है या स्वादानुसार नमक लेंगे। रागी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा बैटर बना करके तैयार करेंगे। इसमें हम रागी का आटा, गेहूं का आटा और ये बेसन, और अगर हम चाहें तो चावल का आटा भी इसमें मिला सकते हैं, और दही डाल करके आटे को घोलेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं। यह हमने पहले गुठलियाँ ख़त्म होने तक बैटर बना लिया है, क्योंकि अगर हम इकट्ठा ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में हमें बहुत देर लग जाती है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गुठलियाँ ख़त्म कर लें, और अब हम इसे मसाले मिलाते हैं। नमक डाल देंगे, अदरक भी डाल देते हैं, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और अब हम थोड़ा और पानी मिलाएंगे, बैटर को थोड़ा पतला करेंगे। ये बैटर बनके तैयार हो गया है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है। बैटर बनाने में हमने आधा कप दही लिया था और आधा कप पानी का यूज किया है। बैटर को हम 20 मिनट के लिए ढककर के रख देते हैं ताकि अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा, और इसके बाद डोसे बनाएंगे। बीस मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर भी फूल कर तैयार हो गया है। एक बार और अच्छे से फेंट लेते हैं। और हमने ये नॉन स्टिक पैन गरम करने रख दिया है, इसमें हम डोसे बनाएंगे। नॉन स्टिक तवा ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे पहले, और नैपकिन पेपर से ये तेल हम पैन में चारों ओर फैला देंगे। कपड़ा ले सकते हैं। पैन गरम होने के बाद, पैन बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो, डोसा जब हमें फैलाना है तो ये बात हम देख लें कि हमारा जो पैन है, ये तवा है, वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। गरम हो गया है, वापस उसे आप गैस कम कर दीजिए और पैन को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि अगर गरम पैन में हम बैटर डाल दें और डोसा फैलाएं तो डोसे को हमें पतला फैलाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं फैला पाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा मीडियम गरम रखेंगे। दो चमचे बैटर हम डाल देते हैं, और चमचे से हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए डोसे को पतला फैला लेते हैं। गैस को तेज़ कर देंगे अब, और थोड़ा सा तेल हम डोसे के चारों ओर डाल देंगे। थोड़ा सा तेल डोसे के ऊपर डाल देते हैं। डोसे को निचली सतह से अच्छी ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। डोसे को पलट लेते हैं। नीचे से डोसा ब्राउन हो गया है, दूसरी सतह से भी ब्राउन चिट्टी आने तक डोसे को सेक लेंगे।
दूसरे साइड भी ब्राउन चीती आ गई है। डोसा हमारा सिक करके तैयार हो गया है। डोसे को निकाल करके प्लेट पर रख देते हैं, गैस कम कर देते हैं और सारे डोसे हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। रागी डोसे बनकर के तैयार हैं। इन्हें आप रागी चीले भी कह सकते हैं। और जब आप बैटर बना रहे हैं तो आप बैटर में थोड़ा सा पालक ले लें, बारीक काट करके डाल लें, या मेथी के पत्ते थोड़े से बारीक काटें और डाल लें, और नए स्वाद में पालक रागी डोसा, मेथी रागी डोसा बना करके तैयार करें। तो जैसे भी आप चाहें बनाएं, बहुत ही पौष्टिक डोसा है। इसे बच्चे के टिफ़िन में आप टमाटो सॉस के साथ में रख सकते हैं, या जैम के साथ में रख सकते हैं, या मीठे अचार के साथ रख सकते हैं। रागी डोसा को आप दही, टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, हरे धनिया की चटनी, नारियल की चटनी, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रागी डोसा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।